हाय, आई एम श्वेता और आज हम बात करेंगे ब्लेम गेम की। कितना इजीली हम डॉक्टर को जज कर लेते हैं, उन्हें ब्लेम कर देते हैं कि वो ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहे हैं, पुलिस को ब्लेम करते हैं कि पुलिस अपना काम सही नहीं कर रही है, कोविड इतना बढ़ रहा है, और लास्ट गवर्नमेंट तो है, उसको तो सब ही अब्यूज़ कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि पुलिस, डॉक्टर, गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस, गवर्नमेंट और डॉक्टर हम में से ही, हमारे बीच में से ही जो लोग कैरियर बने हैं कोरोना वायरस के, उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर, पुलिस और गवर्नमेंट के द्वारा फैलाई हुई नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हम में से ही कुछ बहुत बुद्धिमान लोगों के द्वारा फैलाई गई चीज़ें हैं। तो उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम में से कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं, कभी सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, कभी डॉक्टर को, कभी पुलिस को जो हमारी हेल्प करते हैं या हमें सिखाते हैं कि मास्क पहनना चाहिए और इतने प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं। बहुत इजी है क्रिटिसाइज करना, पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब लोग सड़कों पे निकलेंगे, लोग अपनी ज़िंदगी जिएंगे, और कौन परेशान हो रहा है? डॉक्टर्स, पुलिस जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। गलती उन लोग की नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने अपने लाइफ का मोटो बनाया है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और वो सड़कों पर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और वो कैरियर बन रहे हैं। ये आज जो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आज जो बेड नहीं मिल रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जिन्होंने मासूम लोगों को उस हद तक पहुँचाया है। वो लोग हॉस्पिटल में होना डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन उनको पहुंचाया है उन लोगों ने जिन्होंने कोरोना वायरस को फैलाया है, जिन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, जिन्होंने स्टे एट होम को फॉलो नहीं किया है। और बची कुची चीज़ें जो हो रही है वो ये हो रही हैं कि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेजेस कि इतने बैड नहीं है, ये कंडीशन ख़राब है, वहाँ ये मर रहे हैं, वहाँ वो मर रहा है। सबको पता है, सब न्यूज़ देखते हैं, सब न्यूज़ भी देख रहे हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको स्प्रेड करनी है तो पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, कुछ अच्छा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि अगर कोई, हो सकता है किसी के घर में कोई कोविड पेशेंट हो, वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाह रहा है, लेकिन आपके फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ कर वो और ज़्यादा परेशान हो रहा है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस टाइम पर आपको खुश रहना है। जितना आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा और ईजीली अच्छी तरीके से आप फाइट कर पाएंगे कोरोना के अगेंस्ट। एटलीस्ट कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छे मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, उन लोगों का ध्यान डाइवर्ट कीजिए, ना कि उन लोगों को सिर्फ इन्हीं न्यूज़ के आगे पीछे रखिए। और वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आधा घंटा भगवान के सामने या कहीं पर भी बैठ के उन सारे लोगों के लिए दुआ कीजिए, इस कंट्री के लिए दुआ कीजिए, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिसाइज़ बहुत कर लिया, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डॉक्टर, पुलिस, गवर्नमेंट से ज़्यादा है, और रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं इन चीज़ों को स्प्रेड करने में। रिस्पेक्ट कीजिए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली मेरी बातें कुछ लोगों को समझ आई होगी, और बाकी जो क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं वो तो इस वीडियो को देखकर भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। आप चाहें तो पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, नहीं तो ये न्यूज़ स्प्रेड कीजिए कि कहाँ बेड कम है, क्या चीज़ों की कमी हो रही है और क्या चीज़ों की कमी नहीं हो रही है। अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा कीजिए, एटलीस्ट बुराई को बढ़ावा मत दीजिए,
और अगर आप इन लोगों की जगह होते तो आप सोचिए कि क्या आप इस लेवल तक का काम कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि टीवी देखना और फॉरवर्डेड मैसेज को आगे तक और पहुंचाना बहुत इजी है, पर खुद काम करना बहुत मुश्किल है। कुछ अच्छा, कुछ हल्का फुल्का लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जहाँ पर आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, उन लोगों को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।